हे गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर पैसे भेजना चाहते हो तो कैसे भेज सकते हो। तो मेनली ऐसा होता है कि अगर आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे भेजने हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी ऐप्स देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पर जो इंडिया से पाक भेजने हो या पाक से इंडिया भेजने हो तो उसके लिए आपको कोई भी ऐप नहीं देखने को मिलेगी, और अगर देखने को मिलेगी उसमें आपकी जो फ़ीस होगी बहुत ज़्यादा होगी और वो ट्रस्टेड नहीं होगी। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ऐप जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान टू इंडिया, इंडिया टू पाकिस्तान भेज सकते हो। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं या कोई प्रमोशन करवाते हैं तो दूसरी कंट्री से अपना प्रमोशन करवा लेते हैं। जैसे कि कोई पाकिस्तान से अपना प्रमोशन करवाए किसी यूट्यूबर से तो उसको वो कैसे पे करेगा, आज की वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अगर आप पर्सनल किसी काम से किसी को भेजना चाहते हो तो वो भी आप भेज सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो इस ऐप का नाम है बिनांस। तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में और यहाँ पर पाकिस्तान में मिल जाएगी और इंडिया में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये क्रिप्टो करेंसी पर बेस्ड एक ऐप है। तो यहाँ पर ये ट्रस्टेड ऐप है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में आपको ए टू जेड प्रोसीजर बता दूंगा और यहाँ पर सेंड करके और सामने वाला बंदा रिसीव करेगा वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आपकी बिनांस ऐप डाउनलोड हो जाती है उसके बाद आपने उस पर रजिस्टर कर लेना है। तो रजिस्टर करने के बाद आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना होता है ईमेल के जरिए, और यहाँ पर आपको नंबर के जरिए भी अपना अकाउंट वेरीफाई करना होता है। मे बी आपको एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड से आपका अकाउंट वेरीफाई करना होगा, पाकिस्तान वाले बंदे को और आपको भी, तो जिसको आप भेजना चाहते हो उसको भी करना होगा और आपको भी। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाइड लिखा आ जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो यहाँ पर आप दोनों बंदों ने जिन्होंने पैसा लेन देन करना है तो यहाँ पर आपने ऊपर जाना है और यहाँ पर सिक्योरिटी की ऑप्शन होगी वहाँ पर उस पर क्लिक कर लेना है। तो सिक्योरिटी की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो चारों की चारों ऑप्शन है यहाँ पर आपने वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर ऐसा टिक लगा मिल जाएगा आपको, उसके बाद आपको पैसे भेजने या रिसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको वेरीफाइड लिखा सबसे ऊपर मिल जाता है। तो मेरा जो अकाउंट है ये वेरीफाइड हो चुका है। तो अगर आपको अकाउंट वेरीफाई नहीं करना आता तो यहाँ पर यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी, तो वो देख के आप अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। बाकी आपको अकाउंट वेरीफाई करना आता ही होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस बंदे को आप भेजना चाहते हो उसको भी बिनांस एप्लीकेशन है जो वो डाउनलोड करवा देनी है, और उसको भी कह देना कि अपना जो भी वेरीफिकेशन होने वाली है वो कर ले ताकि आपकी जो मनी भेजोगे उसमें कोई भी रुकावट ना आए। तो जैसे ही आप दोनों का अकाउंट वेरीफाई हो चुका है तो हम अगला प्रोसीजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा दोनों का अकाउंट वेरीफाई हो चुका था तो आगे आपको बताते हैं क्या करना है आपने। तो सबसे पहले आपने नीचे की तरफ वॉलेट पे क्लिक कर लेना है। वॉलेट पे क्लिक करते सार यहाँ पर नीचे सेंटर में P2P ट्रेडिंग लिखा मिल जाता है, उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऊपर सबसे पहले बाय और सेल लिखा मिल जाता है, आपने बाय करने हैं अगले बंदे के लिए। तो यहाँ पर जो भेज रहा है उसने बाय कर लेने हैं। तो यहाँ पर बाय पर क्लिक करना है, सबसे ऊपर बाय की ऑप्शन देखने को मिल जाती है आपको, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर USDT को ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर USDT हो गया और बाय ऊपर और USDT नीचे, और उसके बाद आपको नीचे ये बायर मिल जाते हैं, इनको सिलेक्ट करने के लिए आप फ़िल्टर पर क्लिक करना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ़िल्टर पर क्लिक करोगे तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी पेमेंट मेथड से बाय करना चाहते हो वो कर सकते हो, और यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लोगे तो सारे बंदे इंडिया के ही आएंगे। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नई ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिखनी है, आप कितने रुपए भेजना चाहते हो सामने वाले बंदे को। तो अगर आप 2000 भेजना चाहते हो 2000 हो सकते हैं। तो आपको बता दूँ जो USDT होगा वो आप यहाँ से कम का ख़रीदोगे, और वो पाकिस्तान में जो होता है वो थोड़ा महंगा बिकता है, तो वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो ऊपर आपने लिखना है जितने अमाउंट आप भेजना चाहते हो। तो मिनिमम आपको 2000 तो भेजना हो गया, क्योंकि वहाँ पर आप इधर से तो थोड़े भी भेज सकते हो, बट वहाँ पर जो बंदा होता है उसको विड्रा के लिए मिनिमम 20 USD होने चाहिए उसके अकाउंट में। तो यहाँ पर आप मिनिमम 2000 तो भेजोगे ही, तो आपने यहाँ पर 2000 टाइप कर लेना है। तो 2000 टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है, किस चीज़ से आप पे करना चाहते हो, UPI, बैंक ट्रांसफ़र। मैं आपको सुजेशन दूंगा, आजकल जो गूगल पे होता है, फ़ोन पे होता है,
उसे ही आप करें। तो यहाँ पर आपने गूगल पे सेलेक्ट कर लेना है और इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। तो हम ये कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपने अमाउंट टाइप कर देनी है और यहाँ पर आपने कंफर्म कर देना है। नीचे जो मर्चेंडाइज होता है उसको ऑफ कर देना है। यहाँ पर लिस्ट अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आशीष ट्रेडर है, जो इसने 99% इसका जो रियल काम है, और यहाँ पर 799 इसने ट्रेड्स की हैं, जिसमें इसने किसी की ट्रेड भी कैंसिल नहीं की है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपको 87 रुपीज़ का USD दे रहा है, एक USD। तो अगर आप 2000 के बाई करते हो तो आपको लगभग 20 से 22 USD देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जिसने ज़्यादा ट्रेड की हो, यहाँ पर जिसका अकाउंट सबसे अच्छा हो, यहाँ पर आप देख के उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आप नहीं कर सकते सबसे ऊपर वाला। तो यहाँ पर जिसमें भी आपको बाई लिखा मिल जाता है वहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो हम भी बाई कर लेते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे होगे हमने बाई पे क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पर किस बंदे का बाई किया है, आशीष ट्रेडर जो ऊपर देख रहे थे। तो यहाँ पर ये सेलर पेमेंट मेथड बता रहा है सबसे नीचे। आप इसको फ़ोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, UPI के थ्रू कर सकते हो। और यहाँ पर इसके पास आपको 1000 से 2044 रुपये तक की लिमिट देखने को मिल जाती है। मतलब इसके पास आपको 20-22 USD देखने को मिलेंगे, इसके पास ज़्यादा USD नहीं है। तो हम इसके सारे USD बाई कर लेंगे। तो ऊपर आपने बाई फियाट पर ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने 2000 पे क्लिक कर लेना है। ऑल पे क्लिक करोगे तो इसके जो सारे होते हैं वो आ जाएंगे, जितने आपने बाई करने हैं। तो यहाँ पर इसके 2000 के लगभग थे तो मैंने सारे ही बाई कर लिए थे। तो हमने इसके सारे के सारे ही जो कॉइन USDT थे वो बाई करने थे। तो यहाँ पर ये बता रहा है 15 मिनट में ये पेमेंट हमें कर देगा। तो यहाँ पर ऑल पे क्लिक करके हमने बाई विद 0 फीस कर लिया। तो आपका ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑर्डर क्रिएट। तो यहाँ पर 12 मिनट का समय चल रहा है। तो आपने इसके अंदर अंदर ही इसको पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ पर चैट की ऑप्शन मिल रही है जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। पर इस ऐप को आपने ऐसे ही चलते रहना है। तो यहाँ पर आप कोई भी ऐप जो आपको बताई गई थी उससे आप इसको पेमेंट कर सकते हो। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या ऑप्शन दिखाई देगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको इसका फ़ोनपे नंबर और पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर और UPI ID मिल रही है। आप किसी मेथड से इसको पैसे पे कर सकते हो, जितने की आपकी बात हुई थी। तो आपने जितने के कॉइन बाय करने थे वहाँ पर लिखा था पीछे, तो उतने ही आपने यहाँ पर पे करने हैं। तो यहाँ पर आपने गूगल पे नंबर इसका कॉपी कर लेना है या आपने याद रख लेना। तो आपने इसको पे कर देना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो पेमेंट सेंड करने के बाद आपने यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने गूगल पे जो भी अकाउंट से पे किया है उस पर क्लिक कर लेना है। पेटीएम से किया तो पेटीएम कर देना है, फ़ोनपे से क्लिक किया तो फ़ोनपे पे क्लिक कर लेना है, तो गूगल पे पे क्लिक कर लेना है आपने यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू ऑप्शन शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है अभी बता देता हूँ। अगर यहाँ पर बता रहे हैं अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिए तो नोटिफाई सेलर की, आपने सेलर को बता देना कि मैंने आपको पैसे भेज दिए। तो यहाँ पर हमने नोटिफाई सेलर होता है उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर नोटिफाई सेलर पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको टाइमर शो होगा, उसके अंदर अंदर आपको आपके USDT अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वो आपकी पेमेंट रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं, तो इसका पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ पर नंबर वगैरह शो होता रहता है अगर आप उससे बात वगैरह करना चाहते हो। तो अमाउंट आपको बता रहे हैं कि आपने कितने के ख़रीदे और आपको कितने USDT मिलने वाले हैं। तो 23 आपको मिलने वाले हैं के ख़रीदे, वो भी आपको शो हो रहा है ऊपर। और यहाँ पर सेलर का नाम भी शो हो रहा है और उसका नंबर भी। अगर आप वो कर नहीं रहा है तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर चैट की ऑप्शन मिल जाती है, वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और उससे चैट करनी है। जो सेलर होते हैं हमें इनको पहले पैसे पे करने होते हैं, उसके बाद ये हमारे USD रिलीज़ करते हैं। तो अगर ये नहीं करते तो आप जो बाइनेंस ऐप है इसको कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद ये इनका अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर देती है, जो कि कोई भी सेलर नहीं चाहता। तकरीबन सेलर होते हैं ये हमें उसी वक्त पे कर देते हैं अगर हम कोई गलती ना करें। अभी हमने इससे चैट करना स्टार्ट किया कि हमने कहा कि डन हो चुका है, हमारी तरफ से आपको पैसे मिल चुके हैं। तो अभी आप देख रहे होगे
यहाँ पर आपसे फीडबैक मांगते हैं, तो आप इसको पॉजिटिव फीडबैक देख सकते हो। पीछे कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं आपके जो जो खरीदेगा उसके स्पॉट वॉलेट और फंडिंग में पैसे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फंडिंग में आपके पैसे मिल जाते हैं। तो अभी आपको बताऊँगा कि आपने सामने वाले बंदे को जो पाकिस्तान में बैठा है उसको कैसे पे करने हैं। तो अगर वो भी ऐप चला चुका है और यहाँ पर उसकी वेरीफाई हो चुकी है, तो आपने उसको कुछ करने को कहना है, जिसके बाद आप उसको पैसे सेंड कर सकते हो। अभी जो पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं उसको कुछ करना होगा। तो यहाँ पर उस बंदे ने क्या करना है, तो यहाँ पर उस बंदे ने अपनी ऐप में जाके फंडिंग में जाना है। उसके पास कोई भी बैलेंस नहीं होगा और यहाँ पर उसको 0-0 शो कर रहा होगा। उसमें उसने क्या करना है, वहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करते सार उसको आगे क्या ऑप्शन शो होगी वो आपको दिखा देता हूँ। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस बंदे ने ऊपर क्रिप्टो ही सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर USDT अगर उसको नहीं शो हो रहा तो उसने सर्च करके USDT को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम भी यहाँ पर क्रिप्टो और USD को सिलेक्ट कर लेंगे और आगे का प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। क्योंकि प्रोसेसिंग में आपको यहाँ पर ये शो होगा, तो यहाँ पर आपको चूज नेटवर्क करने को कह रहे हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे डिपॉजिट USDT, तो ये आ जाएगा। और नीचे आपको चूज़ नेटवर्क करने के कह रहे हैं, तो आपने कौन सा नेटवर्क चूज़ करना है, BNB स्मार्ट चेन BP20, तो ये वाला नेटवर्क आपने चूज़ कर लेना है। तो ये वाला आपने नेटवर्क चूज़ कर लेना है। तो इसको चूज़ करने के बाद आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, वो करना होगा। चूज़ करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाती है। तो यहाँ पर डिपॉजिट USD लिखा मिल जाता है। और यहाँ पर आपने उस बंदे ने क्या करना है, ये करके आपको ये कॉपी कर लेना है। और कॉपी कर लेना है या आपको ये इसका स्क्रीनशॉट दे देना है, जिसके ज़रिए आप उसको पाकिस्तान वाले बंदे को पे करना है। तो यहाँ पर वो आपको वॉलेट एड्रेस दे देगा और ये आपने ध्यान रखना है BNB स्मार्ट 20 चैन पर ही आपने उसको पे करने है। तो ये दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वॉलेट एड्रेस वो आपको मैसेज में दे देगा, उसके आगे आपका काम शुरू हो जाएगा। तो अभी जो सेंड करने वाला है उसकी बारी, तो उसने क्या करना है आगे, तो यहाँ पर उसने विड्रॉ पे क्लिक कर लेना है। आपके पास अभी उस बंदे का वॉलेट एड्रेस होगा, जो मैंने आपको वॉलेट एड्रेस निकालना दिखाया। तो वो बंदा आपको वॉलेट एड्रेस कहीं पे मैसेज कर देगा, उसको आपने कॉपी कर लेना है। तो अभी आपका काम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, विड्रॉ पे क्लिक कर लेना है। अभी आपके पास वॉलेट एड्रेस होगा उस बंदे का जिसको आपने पैसे भेजने, जो हमने क्रिएट किया था वो बंदा भी वैसे ही क्रिएट करके आपको भेजेगा। तो उसको आपने कॉपी कर लेना है और विड्रॉ पे क्लिक कर लेना है। तो विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर कैश और क्रिप्टो लिखा मिल जाता है। हमने क्रिप्टो को ही सिलेक्ट करके रखना है, क्रिप्टो को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको USDT जो हमारे पास है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर भी शो कर रहे होंगे USDT, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है दोनों को, क्रिप्टो और USDT को। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पर आपने जो एड्रेस कॉपी किया था सामने वाले बंदे ने आपको भेजा था, तो यहाँ पर सेंड बाय नेटवर्क लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, सेंड बाय नेटवर्क को क्लिक कर लेना है। तो सेंड बाय नेटवर्क को क्लिक करते साथ आपके उसके बाद क्या दिक्कत मिलेगा वो आपको दिखा देता हूँ। अभी मेन चीज़ आ चुकी है। तो यहाँ पर आपने उस बंदे का जो उसने एड्रेस दिया था कॉपी करके आपको, वो आपने यहाँ पर फिल कर लेना है। और यहाँ पर जो नेटवर्क टाइप था BNP20 था वो कर लेना है। और यहाँ पर आपने मैक्स पे क्लिक कर देना है, जितने भी आपके पास USDT होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर फंडिंग वॉलेट आपका ऑटोमेटिकली होगा। तो यहाँ पर विड्रॉ अकाउंट में जो फीस रिटर्न होती है थोड़ा सा इसमें चार्ज होता है, तो वो आपकी रिटर्न किस अकाउंट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने रिसीविंग अकाउंट कर देना है, जो सामने वाला बंदा होगा उसकी जो थोड़े से पैसे कटेंगे उसी अकाउंट में वापस चले जाएंगे, उसको जितने आप भेजोगे उतने ही रिसीव हो जाएंगे। तो आपने रिसीविंग अकाउंट पर क्लिक करके कन्फर्म कर देना है। तो यहाँ पर सभी कुछ हो चुका है। तो आपने क्या करना है, अभी विड्रॉ पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं ये वाला नेटवर्क है और यहाँ पर ये यहाँ पर हो रहा है, सभी कुछ आपको बता रहे हैं।
और यहाँ पर सब कुछ देखने के बाद आपने कन्फर्म पर क्लिक कर लेने हैं। यहाँ पर इंश्योर द नेटवर्क करेक्ट, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर आप नेटवर्क गलत सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो हमने वही वाला सेलेक्ट किया जो अगले बंदे ने हमें यहाँ पर नेटवर्क क्रिएट करके लिंक सेंड किया था, और नेटवर्क जो सेलेक्ट किया था BP20 वही वाला है। तो यहाँ पर सभी कुछ हमने सही फिल कर दिया है, और यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे इनको मिल जाएगा, वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आपके नंबर और ईमेल पे मैसेज आएगा, और यहाँ पर जो वेरिफिकेशन यहाँ पर गेट कोड पे आपने क्लिक कर देना है दोनों पर। तो यहाँ पर जो आपका नंबर पे OTP आएगा वो फिल कर देना है, नीचे की तरफ आपको ईमेल पे जो OTP आएगा वो फिल कर देना है। जो OTP आया था वो फिल कर दिया और कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि विड्रॉ प्रोसेसिंग में चला चुका है, एक दो मिनट में आपको बता देंगे कि आपका जो विड्रॉ होगा वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी आपको मैं रिकॉर्डिंग बंद नहीं करूँगा और ऐसे ही आपको दिखाऊँगा। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऊपर लिखा आ गया कि आपका विड्रॉ सक्सेसफुल हो चुका है, सामने वाले बंदे के वॉलेट में आपकी जो USDT थे वो पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जो अब स्क्रीन देखोगे तो ये पाक वाले बंदे की है जिसको मैंने सेंड किए। तो यहाँ पर आप उसके ID में देख रहे होंगे $23.646 आ चुके हैं, USDT आ चुके हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे PKR भी लिखा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे PKR। तो अभी आप इसको अपने इजी पैसा और किसी भी चीज़ में कैसे लोगे वो आपको दिखा देता हूँ। तो इसको विड्रॉ करने के लिए आपने वॉलेट पे जाना है। तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको आगे की चीज़ दिखाता हूँ। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अभी आपने फंडिंग पे क्लिक कर लेना है, फंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्या शो होगा वो आपको दिखा देता हूँ। तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो फंडिंग पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको $0 शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पैसे किसी से आते हैं वो स्पॉट वॉलेट में होते हैं। तो आपने स्पॉट वॉलेट से उसको फंडिंग में ट्रांसफ़र कर लेने पर ट्रांसफ़र पर आपने क्लिक कर लेने। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट, तो यहाँ पर आपने क्लिक करके ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर स्पॉट वॉलेट होगा ऊपर चला जाएगा और फंडिंग नीचे चली जाएगी। और यहाँ पर आपने BTC तो सेलेक्ट रहने देना है, और यहाँ पर आपने मैक्स पे क्लिक कर देना है, जितने भी आपकी अमाउंट होगी वो सारी आ जाएगी। और यहाँ पर आपने कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेना है, तो आपकी जो सारी USDT होगी वो फंडिंग में चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है, ऊपर स्पॉट वॉलेट नीचे फंडिंग, और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है। अगर आपको USDT नहीं शो हो रहा तो आपने क्लिक कर लेना है और USDT ही करना है। और यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो वहाँ पर क्लिक करके मैक्सिमम आ जाएगी, और यहाँ पर जो येलो में ट्रांसफ़र है तो ये येलो हो जाता है। तो अभी इस पर आपने क्लिक कर लेना है येलो पे। तो यहाँ पर कंफर्म तो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ पर फंडिंग में आपके पैसे आ चुके हैं। तो विड्रॉ करने के लिए आपको समझना होगा कि यहाँ पर आपको जो आपके USDT हैं, तो आपने पहले एक बंदे ने जो इंडिया वाला था उसने खरीदे थे, तो यहाँ पर जो पाक वाला होगा वो सेल करेगा। सेल करने के लिए यहाँ पर आपको P2P देखने को मिल जाता है, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बाय और सेल की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो पहले इंडिया वाले बंदे ने बाय किए थे, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान वाला बंदा है वो उसके पास USDT आ चुके हैं। तो पहले आपने ऊपर देख लेना है, अगर आपके PKR नहीं आ रहा तो यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट पाकिस्तान कर लेनी है, PKR सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपने क्या करना है सेल पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने सेल करने हैं। तो यहाँ पर आपने सेल पे क्लिक करना है और USDT सेल करने हैं, यहाँ पर आपको USDT सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर नीचे आपको फ़िल्टर की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, तो आप किस पेमेंट मेथड से पैसे लेना चाहते हो फ़िल्टर पे क्लिक करके वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर फ़िल्टर पे क्लिक करना है सबसे पहले। तो फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन शो हो जाती हैं, तो ये पेज शो होगा। तो यहाँ पर आपका PKR लिखा होता है ऊपर, तो यहाँ पर अमाउंट फिल करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं, अमाउंट फिल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना। तो यहाँ पर मैंने सुना है पाकिस्तान में ईजी पैसा चलता है, तो बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। यहाँ पर बैंक के नाम आ रहे हैं, सदा पे आ रहा है, बट मैंने सुना है भाई इजी पैसा में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती, और बैंक में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसमें थोड़ा पेमेंट लेट भी हो जाती है।
बट यहाँ पर जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप है इसमें आप ले सकते हो इजी पैसा। यहाँ पर आपने ऊपर अमाउंट फिल नहीं करनी, नीचे इजी पैसा सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है पाकिस्तान, तो नीचे करना है। यहाँ पर जो मर्चेंट होते हैं इसको ऑफ़ कर देना है, तो इस वाले को आपने ऑफ़ कर देना है और यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। तो आपकी जो लिस्ट होगी पुरानी वाली वो अपडेट हो जाती है और नए जो सेलर होते हैं नहीं बायर होते हैं वो आ जाएंगे। तो अभी जो आपकी लिस्ट है ये अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पर नूरी ट्रेडर्स आ रहा है भाई ऊपर वाला, तो यहाँ पर 99% इसका जो रिकॉर्ड है ये अच्छा है और यहाँ पर 532 ट्रेड कर चुका है। तो यहाँ पर 290 रुपये में ये आपको एक USDT दे रहा है। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि सामने वाले बंदा आपको पहले पेमेंट करता है, उसके बाद आपके जो USDT होते हैं वो आपको रिलीज़ करते हो पेमेंट रिसीव होने के बाद। तो आपने कोई बंदा देख लेना है जिसकी यहाँ पर ऊपर 92-90 से तकरीबन हो और यहाँ पर उसकी ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए जो आपको जल्दी से ट्रांसफ़र कर दे, और उसका जो हमने सेलेक्ट किया इजी पैसा तो जरूर होना चाहिए। तो हम एक बंदे को सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आपको लिखा मिल रहा है कि जो सेलर का नेम है, हमने शोएब सलीम को सेलेक्ट किया है सेलर का नेम, नहीं सॉरी बायर का नेम जो बाय कर रहा है। तो यहाँ पर इसका आप देख रहे होंगे पेमेंट मेथड देख रहे होंगे इजी पैसा ओनली और बैंक ट्रांसफ़र नीचे सबसे देखने को मिल रहा है। तो आपको इजी पैसा सेलेक्ट करके इससे पेमेंट ले लेनी है। ऊपर इसका प्राइस शो हो रहा है, ये आपको 249 रुपीज़ में दे रहा है, 249.61 रुपीज़ में ये दे रहा है। तो यहाँ पर इसकी लिमिट शो कर रहा है, यहाँ पर 48 USD ये खरीद सकता है। तो हमने तो उसको 23 तकरीबन 22 USD बेचने हैं। तो यहाँ पर आपने इस बार करना है बाय क्रिप्टो पर और यहाँ पर ऑल पे क्लिक करके अपने सारे USDT होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपका जो पेमेंट मेथड होगा वो सिलेक्ट करोगे इजी पैसा, और यहाँ पर इस पे क्लिक करके इसकी टर्म्स पढ़ सकते हो। यहाँ पर ये बता रहा होगा कि यहाँ पर मैं 15 मिनट में पेमेंट कर सकता हूँ। चलिए आपको करके दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर USDT जो लिखे हैं इतने USD बेचने हैं, मतलब ऑल बेचने हैं। तो यहाँ पर आपका इजी पैसा नंबर आ गया भाई, यहाँ पर आप इजी पैसा नंबर दे सकते हो अपना, और नीचे आपको जो अमाउंट पे करनी होगी वो बंदा कितनी अमाउंट पे करेगा। तो यहाँ पर सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद आपने सेल विद जीरो फी पर क्लिक कर लेना है। तो अभी एक नई पेमेंट विंडो आ चुकी है, तो यहाँ पर वेटिंग फॉर पेमेंट आ रहा है। तो हमने कुछ नहीं करना इस वक्त, तो सामने वाला बंदा, तो आप इसको हाई हेलो कर सकते हो, सलाम कर सकते हो। तो यहाँ पर उसको कह सकते हो कि भाई पेमेंट सेंड कर दे बंदा। तो इसको मैसेज करने के बाद आपको यहीं पे वेट करना होगा, बंदा टाइम 5-10 मिनट लगा सकता है। तो यहाँ पर आप वेट करेंगे तो आपको आपका ऊपर इजी पैसा का मैसेज आ जाएगा कि वहाँ पर आपको पेमेंट आ चुकी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर मैसेज आ चुका है, तो आपको ऐसे मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको रिसीव हो चुकी है पेमेंट 58 रुपीज़ वहाँ से आपको रिसीव हो चुके हैं। तो अभी आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने इजी पैसा अपने जो पेमेंट ऐप में उसमें जाना है, कंफर्म करना है। इस विंडो को आपने बंद नहीं करना जो आपकी बिनांस की ये चल रही है, इसको बंद नहीं करना। उधर जाना है, आपने कंफर्म करना है कि उस बंदे ने आपको पैसे कर दिए नहीं। जब कर दी होगी तो कन्फर्म हो चुका, तो उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने इसी विंडो में दोबारा आ जाना है, तो यहाँ पर पेमेंट रिसीव्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है। उस पर आपने, क्योंकि आपको पेमेंट आपकी इजी पैसा में आ चुकी है, सामने वाले बंदे ने कर दी है, तो आपने यहाँ पर तब जाके पेमेंट रिसीव्ड पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही पेमेंट रिसीव्ड पर क्लिक करोगे आगे का प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ। तो पेमेंट रिसीव करने के बाद यहाँ पर आपको आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट पेमेंट पर क्लिक करके कन्फर्म कर देना है। तो यहाँ पर आपका नंबर शो होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल वेरिफिकेशन कराना होता है। तो यहाँ पर आपने सेंड कोड पे क्लिक कर लेना है। सेंड कोड पे क्लिक करोगे तो आपके जो नंबर होगा उस पर आपको एक मैसेज आएगा, उसके बाद वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है OTP जो भी होगा। तो उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका जो USDT होगे सामने वाले बंदे को चले जाएंगे और उसकी पेमेंट तो आपको ऑलरेडी आ चुकी है के वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। तो इसको यहाँ पर आपने फिल कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके जो USDT थे तो वो आपको
तो यहाँ पर जो आपके USDT थे वो उस बंदे के पास पहुँच चुके हैं, उसकी पेमेंट तो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पर आपने फीडबैक देख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको जैसा इसका लगा। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। भाई आज की वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो बनी है, बट यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है सारा, सेंड करने का, बाय करने का, सभी चीज़ें आपको बताई हैं भाई, कोई नहीं ऐसे बताता। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में।